हेलो दोस्तों, अशोक IT3 में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अशोक कुमार। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर आपका एम पिन ब्लॉक हो जाता है या आप भूल जाते हैं तो उसको आप रिसेट कर सकते हैं फिर से, और फिर से अपने अकाउंट को वर्किंग में ला सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक तो मेथड होता है एयरटेल पेमेंट बैंक यानी कि एयरटेल थैंक्स ऐप से आप अपने एम पिन को रिसेट कर सकते हैं दोस्तों, और दूसरा तरीका होता है आप अपने फ़ोन पे से भी अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का एम पिन चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एयरटेल थैंक्स ऐप में और फ़ोन पे में भी, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं रिसेट अपना एम पिन, तो दोस्तों आप मित्रा एप्लीकेशन के माध्यम से यानी रिटेलर के माध्यम से भी अपना एम पिन रिसेट करवा सकते हैं। तरीके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, आपको ध्यान पूर्वक पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने वीडियो स्किप करी तो आपके कुछ पार्ट्स रह जाएंगे, आप उसको नहीं समझ पाएंगे, तो आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का एम पिन रिसेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और दोस्तों पूरा वीडियो देखने से आपको आप पूरी तरह से अपने एम पिन को रिसेट कर सकते हैं तीनों में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एयरटेल ऐप के लिए। सबसे पहले ओपन करेंगे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक करेंगे, पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा है फॉरगेट एम पिन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे नाम डालेंगे, जो आधार पे नाम है वही नाम यहाँ पे डालना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, नेक्स्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे OTP आएगी, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, फिर सबमिट करेंगे। यहाँ पे नया पिन बनाना है, वो 4 नंबर आपको डालने हैं जो आपको आपके हिसाब से कम्फर्ट हो, जैसे हम अभी के लिए 2356 डाल दे रहे हैं, 2356 ऊपर वाले पे डालेंगे, सेम वही नीचे वाले पे कंफर्म करने के लिए डालेंगे, फिर डन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा एम पिन बन गया है, चेक कर लेते हैं हमारा एम पिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए फिर से होम पेज पे जाते हैं, बैंक प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये अशोक कुमार लिखा है, यहाँ से वर्चुअल डेबिट कार्ड ओपन होता है, यहीं पे देख लेते हैं हमारे एम पिन पर कि वर्चुअल डेबिट कार्ड ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर अपना एम पिन डालेंगे 2356, ये हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड शो हो गया है। हमारे जो 2356 पिन डाले थे उसी पिन को डाल के हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड ओपन हो गया है। तो ये हमारा एम पिन काम कर रहा है। यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं फोन पे में कैसे एक दिन रिसेट करते हैं। दोस्तों फोन पे से एम पिन फॉरगेट करने के लिए, इसके लिए सबसे पहले हमको वर्चुअल डेबिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम अपना एयरटेल ऐप पहले ओपन करेंगे, यहाँ से वर्चुअल डेबिट कार्ड ओपन करेंगे। इसके लिए एयरटेल ऐप ओपन करेंगे, फिर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, बैंक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जहाँ पे पैसे क्लिक लिखे हुए हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक जो कार्ड हमारा शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा पिन मांग रहा है तो यहाँ पे पिन डालेंगे वर्चुअल डेबिट कार्ड ओपन होने के लिए। ये यहाँ पे हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड शो हो गया है दोस्तों, इसका हम स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। और अब हम अपना फ़ोनपे से एम पिन इसको रीसेट करेंगे, क्योंकि ये वर्चुअल डेबिट कार्ड हमारा यहीं रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। के लिए फोन पे अपना ओपन करते हैं, फोन पे में प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये यहाँ पे हमारा एयरटेल बैंक ऐड है, एयरटेल बैंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, रीसेट एंड चेंज। अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ से रीसेट करना है अभी वर्चुअल डेबिट कार्ड के माध्यम से, तो रीसेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे वर्चुअल डेबिट कार्ड जो हमने डाउनलोड किया हुआ था वहाँ के लास्ट के 6 नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और एक्सपायरी डेट डाल देंगे, जैसे कि हमारा लास्ट का 6 नंबर है, एक्सपायरी डेट है ये, यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे OTP मांगेगा, OTP एंटर करेंगे, फिर न्यू पिन बनाने के लिए मांग रहा है, यहाँ पे न्यू पिन डालेंगे, फिर कन्फर्म न्यू पिन आएगा डालने के लिए, OTP आ गया हमारा,
यहाँ पे न्यू पिन डाल देते हैं कोई भी अपने हिसाब से। दोस्तों यहाँ से हमारा एम पिन बन चुका है, बैलेंस इंक्वायरी करके चेक कर लेते हैं पिन काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए एयरटेल पे क्लिक करेंगे, पिन डालेंगे अपना। दोस्तों ये हमारा बैलेंस शो होने लगा है। फोन पे से इसी तरीके से हम अपना पिन चेंज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा मित्रा से एम पिन कैसे चेंज होगा। अगर हम फोन पे से नहीं कर पा रहे हैं, एयरटेल थैंक्स से नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन है मित्रा से कैसे एम पिन चेंज करेंगे। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने मित्रा पे। दोस्तों हम अपना पहले मित्रा ऐप ओपन कर लेते हैं। इसके लिए मित्रा ऐप को क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी मित्रा आईडी लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिससे हमारा मित्रा आईडी है, यहाँ पे पासवर्ड। दोस्तों इस नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट। तो इस कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिस मोबाइल नंबर का पिन रीसेट करना है। यहाँ पे नंबर हम पहले से कॉपी कर रखे हैं, यहाँ पे एंटर कर लिए हैं। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बायोमेट्रिक मांग रहा है, इसके लिए हम अपना OTG ऑन कर लेंगे, बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट कर लेंगे। सेटिंग में चले जाएंगे, OTG ऑन करेंगे। यहाँ पे OTG कनेक्शन मिल गया है, ऑन कर लिया है, इसको रेडी कर लेंगे। ये हमारी OTG बिल्कुल ऑन हो गई है। अब एयरटेल अकाउंट होल्डर का यहाँ पे फिंगर लगवाएंगे। दोस्तों हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एम पिन आ चुका है, चेक कर लेते हैं। ये हमारा डिफ़ॉल्ट एम पिन आ चुका है 43 65। इसको अब हम एयरटेल ऐप से फिर से रीसेट करेंगे। इसके लिए एयरटेल ऐप ओपन करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना करंट पिन डालेंगे, यहाँ पे न्यू पिन जो बनाएंगे वो डालेंगे। फिर कंफर्म न्यू पिन, ये हमारा एम पिन बन चुका है, योर पिन हैज बिन चेंज्ड सक्सेसफुली। अब हम बैक आ जाते हैं, अपना फोन पे फिर से ओपन करते हैं, चेक बैंक बैलेंस पे फिर से क्लिक करते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना पिन डालते हैं। फिर से हमारा बैंक बैलेंस चेक हो रहा है, ये हमारा बैंक बैलेंस चेक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।